चलो गाइस, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है निफ्टी बैंक का चार्ट लगा के रखा हुआ है। अब इसके अंदर काफ़ी बढ़िया सा जो है डाउनफॉल हुआ था। क्या हुआ था डाउनफॉल? अभी डाउनफॉल होने के बाद में क्या आपके पास में यहाँ पे सी का पोजीशन लेना चाहिए, या फिर यहाँ से मार्केट जो है सभी लोगों को ट्रैप करने वाला है, एंड ट्रैप करके मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे जा सकता है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं मार्केट्स की यहाँ पे, एंड मार्केट अगर नीचे जाना चाहता है तो कहाँ से जा सकता है। अगर यहाँ पे जो क्विक ट्रेड की अगर हम बात करें तो क्विक ट्रेड आपको इस लेवल के आसपास मिल सकता है। मतलब कि अगर किसी ने 51 to 50 के आसपास यहाँ पे एंट्री किया है तो वो यहाँ पे बना रह सकता है जब तक ये मार्केट 75 के नीचे नहीं जाता। एंड यहाँ से अगर कॉन्स्टेंट ऊपर निकलता है तो फिर इजीली आपको 350 का टारगेट वहाँ पे देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल कैलकुलेशन ऊपर की साइड में। अगर हम यहाँ पर बात करें कि डाउन साइड में कहाँ जा सकता है, या फिर जो क्विक एंट्री लेवल्स होते हैं जो मिनट पर ट्रेड करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो लगभग अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो है एक अपर साइड का मोमेंट चल रहा है। ठीक है, अब ये देखिए अपर साइड का मोमेंटम लाइव मार्केट में किस तरीके से तेज़ी से ऊपर की ओर निकल रहा था। तो अब देखिए, अभी जब हम यहाँ पे वीडियो बना रहे थे तब कहाँ पे चल रहा था मार्केट का मोमेंटम, लगभग 20 280 के आसपास कुछ चल रहा था ना मेरे हिसाब से। तो देखिए 330 के पास यहाँ पे चल भी गया। मतलब अभी वीडियो बनाते बनाते मार्केट ने क्या किया है, ऊपर का साइड का जो अपना टारगेट है लगभग 350 के आसपास का जो टारगेट था वो भी लगभग यहाँ पे अचीव होने को आ गया है, 341 के आसपास, देखिए 342। तो ये मोमेंट अभी जस्ट मैंने आपको बताया, एंड मोमेंट का टारगेट भी हो गया। ठीक है, देखिए अब हम मेरे हिसाब से यहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे थे 360 के आसपास का जो टारगेट था वो भी अचीव हो गया। 275 के आसपास मैंने बताया था कि 250 240 पे जिसने एंट्री किया है वो यहाँ तक के टारगेट्स आसानी से बुक कर सकते हैं, टारगेट उतना मिल गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि डाउन साइड के टारगेट्स कहाँ तक जा सकते हैं। तो डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड के लिए मार्केट्स के अंदर ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है डाउन साइड वाली, मतलब के 235 से लेकर के 230 का जो भी लेवल रहेगा, अगर मार्केट इस लेवल्स के नीचे जाना चाहता है तो फिर यहाँ से क्या होता है, बहुत तेज़ी से यानी कि फास्ट मोमेंट आपको मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर मार्केट यहाँ पे रुकता है इस रेंज में, तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट आपको वापस एक बार ट्रैप करेगा, एंड ट्रैप करने के बाद फिर मार्केट डिसाइड करेगा कि इसे ऊपर जाना है या फिर इसे कंटिन्यूसली नीचे आना है। अब इस सभी का लाइव मार्केट का जो भी अपडेट होता है, लाइव मार्केट की जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, वो सब आपको यहाँ पे मिलता है हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आकर के ज्वाइन कर सकते हो, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च करिए बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड, और आप इसके अंदर आसानी से जुड़ सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब इतने फास्ट जब मोमेंटम हो जाता है तो क्या यहाँ पे निफ्टी भी ट्रेड करना बेहतरीन होता है, या फिर निफ्टी भी आपको यहाँ पे ट्रैप कर सकता है? तो वो भी एक बार चेक करते हैं कि दोनों साइड में कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हमें एंट्री मिल सकती है, कहाँ पे हमें एग्जिट लेना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, यहाँ पे जो मार्केट का मोमेंटम है वो लगभग यहाँ पे ट्रैपिंग वाला मोमेंटम है ना? तो ट्रैपिंग वाला मोमेंटम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे नीचे आते आते मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, नीचे आना तो चाहते हैं लेकिन धीरे धीरे ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है। अब जो ये ऊपर जाने का इसका मोमेंटम है ये कैसा है, ये एक ट्रैप मोमेंटम है। मतलब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मार्केट ऊपर नहीं गया है, मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, सभी लोगों को सी में एक्टिवेट करवा देता है, एंड वहाँ से नीचे आ जाता है। क्या करता है मार्केट, धीरे धीरे ऊपर जाता है, सब लोगों को सी में एक्टिवेट करता है, एंड वहाँ से तेज़ी से नीचे आता है। तो इस तरीके से फिलहाल तो मोमेंट चल रहा है निफ्टी, कहाँ पे, निफ्टी 50 में। अभी अगर आपको निफ्टी 50 में न्यू ट्रेड फाइंड आउट करना है तो वो कौन से लेवल पे रहेगा, तो निफ्टी 50 के हिसाब से अभी जो न्यू ट्रेड हमें आइडेंटिफाई होगा वो रहेगा हमारा लगभग कौन से लेवल्स पे, चलिए एक बार चेक करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा यहाँ पे 24,775। अगर मार्केट किसी तरीके से इस लेवल्स के ऊपर बना रहता है तो यहाँ पे 825 से लेकर के 875 ये दोनों टारगेट आपको आसानी से देखने वहाँ पे मिल सकते हैं। यानी कि जो सी ई साइड का जो प्रॉफिट हो सकता है वो काफ़ी फास्ट आपके यहाँ पे जनरेट हो सकता है ऊपर के साइड में। अब यहाँ से अगर हम कंटिन्यूसली धीरे 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 नीचे आते हैं तो फिर क्या होगा, अगर धीरे धीरे नीचे आना है तो पहले तो इससे 850 से लेकर के 845 के दोनों के लेवल्स के आसपास तो टच होना चाहिए। उससे पहले नीचे आ रहा है तो फिर डेफिनेटली वो कंफ्यूज करने वाला है, एंड इसे टच करके अगर नीचे आते हैं तो हाई पॉसिबिलिटी चांसेस हो सकता है कि मार्केट नॉन स्टॉप नीचे की ओर आने वाला है। तो ये बात आई होप अभी आपको समझ चुके होंगे किस तरीके से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड क्विक ट्रेड के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्विक ट्रेड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो कैंडल्स के अंदर अंदर सभी लोगों का स्टॉप लॉस खत्म हो चुका है। मतलब कि कैंडल नंबर 1 कैंडल नंबर 2, ये दो कैंडल इतने ज़्यादा बड़े हैं, एक बार अगर उनके साइज़ चेक करें हम तो साइज़ की बात करें जाए तो लगभग 29 पॉइंट के आसपास का कैंडल्स थे जिसने सभी लोगों का ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस हिट करवा दिया है। अगर किसी का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं भी हुआ होगा, जो क्विक ट्रेड करते हैं, जो 1 मिनट के आसपास में ट्रेड करते हैं या फिर सेकंड्स पे ट्रेड करते हैं, उनका तो डेफिनेटली यहाँ पे एसएल हिट हो चुका होगा। लेकिन जो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद ट्रेड करने का प्लानिंग करते हैं वो शायद से यहाँ पे बचे होंगे क्योंकि उनका एसएल अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ होगा। तो उनका एसएल ट्रिगरिंग का मोमेंट थोड़ा सा अलग रहेगा, एंड हमारा जो मोमेंट रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा।
चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे एक बार वापस चेक करते हैं कि हमारा निफ्टी बैंक क्या करता है अभी। तो अब तक आप हमारा ये जो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारा निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक के हिसाब से जो हमारा टारगेट था 350 का, वो अचीव हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था 250 का एंट्री होने के बाद में 350 का टारगेट तो इजीली हमें देखने मिल सकता है कहीं ना कहीं, एंड वो भी क्विकली मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं क्विकली ये जो टारगेट है वो अचीव हो चुके हैं। डाउन साइड का जो लेवल है वो मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म करके रखा हुआ है कि डाउन साइड में कौन सा लेवल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा। डाउन साइड अगर जाना चाहते हैं तो पीई का एंट्री हमें कहाँ पे मिलेगा। अब अगर किसी को यहाँ तक का वेट नहीं करना है ना, अगर उसे ऊपर जाना है तो वे 385 का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर 385 से हमें रिजेक्शन देखने मिलता है तो वहाँ पर हम छोटा सा स्टॉप लॉस, मतलब लगभग 15 से लेकर के 20 पॉइंट, अगर आप चाहो तो आप इंडेक्स पे ले सकते हो। अगर इंडेक्स पे आपको डर लगता है तो फिर आप ऑप्शंस के अंदर ट्राई कर सकते हो। ऑप्शंस के अंदर पॉसिबिलिटी चांसेस है वो शायद से हिट हो सकता है आपका वोलेटिलिटी के केस में। तो अगर आप इंडेक्स का ले सकते हो तो अच्छी बात है ना, अगर इंडेक्स का आपका एसएल हिट हो जाता है तो आप उसे एग्जिट कर सकते हो। वापस आपको अगर री एंट्री का मौका चाहिए तो फिर आपको थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे 485 का जो हमारा लेवल है 385 वाला, तो आपको शायद से वो 415 के पास या फिर 405 के आसपास, मतलब 10-12 पॉइंट का बफर रख के आपको वापस एक बार ट्राई करने का मौका वहाँ पे मिल सकता है। ठीक है। एंड कल का जो भी लेवल्स था ना, कल का भी काफ़ी बढ़िया सा लेवल्स था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने तेज़ी से ऊपर का साइड का मोमेंटम दिखाया, बाद में फिर साइड वे साइड वे साइड वे साइड वे किया। यहाँ पे भी अच्छा खासा ट्रैप किया। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास में सी का पोजिशन होल्डिंग है तो क्विक प्रॉफिट अगर बुक नहीं करते तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बड़े से लॉसेस हो सकते हैं। मार्केट जैसे ही ऊपर ओपन होता है जिसने बुक किया उसके लिए अच्छा है, क्योंकि उसके बाद तुरंत मार्केट नॉन स्टॉप नीचे गया एंड कंटिन्यूसली नीचे ही चले गया। इसके लिए ऐसे केस में क्या होता है कि आप कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग करने के लायक नहीं बचते, क्योंकि जितने तेज़ी से मार्केट नीचे जाता है उतनी तेज़ी से आपका लॉस यहाँ पे बढ़ता है। तो इधर आपको एक काम करना पड़ता है, प्रॉफिट एक तो पहले बुक करो, नहीं तो फिर अगर लेट करने वाले हो तो आपको लॉस कम बुक करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एक तो प्रॉफिट जल्दी बुक करो, नहीं तो लॉस कम बुक करो। ये दोनों को अगर आप फॉलो करते हो प्रॉपर तरीके से तो शायद से आप मार्केट के अंदर बने रह सकते हो, मार्केट के अंदर टिक सकते हो। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने थोड़ा सा एडवांस अपडेट किया था प्रीमियम ग्रुप के अंदर, तो अगर आपने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड का। ये वो जो है फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है। अब यहाँ में हमने थोड़ा सा अपडेट किया था, तो 505 का कुछ लेवल सही है एंड लगभग 983 का कुछ हाई इस पर लग चुका है, मतलब 900+ ही इसका हाई है। अब एक्चुअली में मैंने देखा नहीं है क्योंकि इसका हाई तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका होगा अभी तक, तो लगभग इस लेवल्स के आसपास 983 to 1000 के आसपास का कुछ क्रॉसिंग यहाँ पे आराम से हो चुका होगा। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे आकर के आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मार्केट से रिलेटेड, बैंक निफ्टी से रिलेटेड, निफ्टी से रिलेटेड, फिर निफ्टी से रिलेटेड, हर एक चीज़ का अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में। एंड उसके साथ में हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वहाँ पर भी आकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है।